नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक मैंने पीआईएल भी फाइल किया है कि आठवीं तक हेल्थ और योग साइंस को कंपलसरी किया जाए। हेल्थ और योग साइंस, अभी फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारी फूड हैबिट होनी चाहिए, हम स्वस्थ कैसे रहें, उसके बारे में एजुकेशन नहीं दी जा रही है। हम लोग छोटे थे तो पीटी होती थी, फिर भी थोड़ी एक्सरसाइज होती थी, अभी वो भी बंद हो गई। तो आठवीं तक प्रत्येक क्लास में पर डे एक पीरियड योग और हेल्थ साइंस का हो, पर डे उनको योग करना सिखाया जाए, योग की प्रैक्टिस कराया जाए, और इसके अलावा उनको बताया जाए कि एयर पोल्यूशन का क्या नुकसान होता है, वाटर पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं, हमारा शरीर कैसे काम करता है, वात पित्त कफ क्या होता है, कौन सा योग करने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, कौन से योग का क्या फायदा है, सूर्य नमस्कार का क्या फायदा है, सूर्य को जल देने का क्या फायदा है, सुबह उठने का क्या फायदा है, तुलसी के पास बैठने से क्या फायदा है, जो हमारे हमारा भारतीय ज्ञान विज्ञान है, योग विज्ञान का मतलब भारतीय ज्ञान विज्ञान, उसकी एक किताब मैंडेटरी किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी दलील को सुनने के बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार, एनसीईआरटी, इन सबको नोटिस जारी किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने चलो पीआईएल फाइल कर दिया, नोटिस जारी हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि जब हमारा संविधान कहता है कि सरकार की ड्यूटी है भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय विज्ञान, भारतीय ज्ञान, भारतीय योग, इन सबको प्रमोट और प्रोपोगेट करें, और दुनिया ने योग को मान भी लिया, हर साल इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हम, अमेरिका जैसे देशों में बच्चों को योग साइंस पढ़ाया जा रहा है, योग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और हमारे देश में नहीं पढ़ाया जा रहा, योग कर भी रहे लेकिन उसको एक प्लान्ड वे में पर डे क्लास करके उसको नहीं कर रहे, ऑप्शनल है, ठीक है, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। जो टीचर्स हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई प्रॉपर, जो योग क्लास ले रहे, जो पहले पीटी वाले टीचर थे वही अब योग भी सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी तरीके से कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई। मेरा यह मानना है कि अगर स्कूलों में योग अनिवार्य हो जाए तो पहली बात तो जो हमारा हेल्थ का बजट है 50% कम हो जाएगा। अगर हम वास्तव में स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं, हम एक खुशहाल भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कम से कम आठवीं तक योग को मैंडेटरी किया जाए, और सभी स्कूलों में, वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सरस्वती शिशु मंदिर हो, मदरसा हो, जो भी स्कूल है उनमें योग साइंस को मैंडेटरी किया जाए। पहली बात तो इससे एक अवेयरनेस आएगी, उस अवेयरनेस का परिणाम ये होगा कि लोग एयर पोल्यूशन करने से बचेंगे, वाटर पोल्यूशन करने से बचेंगे, नॉइज पोल्यूशन करने से बचेंगे, क्योंकि उनको पता होगा, बचपन में पढ़ा दिया जाएगा भाई एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का क्या नुकसान होता है, तो उससे वो बचेंगे, नियम कानून तोड़ने से बचेंगे, माइंड दिमाग अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी अपराध कम होगा, शरीर स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा परिवार, परिवार खुशहाल होगा, देश की तरक्की होगी। लेकिन इस पे चर्चा नहीं हो रही है। कभी आपने मीडिया में छोटी छोटी बात पे चर्चा आपने देखा होगा, हर छोटी छोटी बात पे दो दो दिन तीन तीन दिन चर्चा होती है, लेकिन कभी आपने इस बात पे चर्चा नहीं होगा कि योग क्यों मैंडेटरी होना चाहिए, योग क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, योग के क्या क्या फायदे हैं, योग क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। कुछ संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं योग के मामले में, लेकिन संस्थाओं की एक लिमिट होती है, जब तक सरकार योग को प्रमोट नहीं करेगी तब तक योग घर घर नहीं पहुंचेगा। स्वामी रामदेव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योग के बारे में, और भी आचार्य बालकृष्ण जी अपना आयुर्वेद के बारे में अच्छा अपना उन्होंने काम किया है, बिहार में कुछ संस्थाएं हैं, दिल्ली में कुछ संस्थाएं, वो लोग कुछ संस्थाएं अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली योग को घर घर पहुंचाने में मुख्य जो भूमिका है वो सरकार की है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। केंद्र सरकार का एनसीईआरटी एक किताब डेवलप करे और सभी राज्य सरकार इसको मैंडेटरी करे। हरियाणा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हरियाणा भी योग को मैंडेटरी करने जा रहा है, हरियाणा तो इनफैक्ट 12वीं तक कर रहा है,
बारहवीं तक सब बच्चे योग पढ़ेंगे, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। दिल्ली की सरकार भाषण तो दे रही है, दिल्ली की सरकार जो है ऐड भी दे रही है, हाँ हम योग का टीचर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सच्चाई है कि उसने स्कूलों में योग अनिवार्य नहीं किया। जब तक योग की किताब नहीं होगी, उस किताब का रेगुलर जैसे साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी का टेस्ट नहीं होता, ऐसे उसकी किताब पढ़ाई नहीं जाएगी और उसका टेस्ट नहीं होगा, उस पर मार्किंग नहीं होगी, उसमें भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, तब तक इफेक्टिव नहीं होगा। अगर हम हिंदी पढ़ा सकते, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं, तो योग क्यों नहीं पढ़ा सकते? हम उसका टेस्ट क्यों नहीं ले सकते? उस पर मार्किंग क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए टीचर्स को ट्रेन क्यों नहीं कर सकते? योग के लिए अलग से टीचर की जरूरत नहीं है। हर स्कूल में आपको दो चार टीचर ऐसे मिलेंगे जिनका खुद का इंटरेस्ट होगा योग में। आप फिजिक्स वाले टीचर को भी योग टीचर बना सकते हैं, मैथ वाले टीचर को भी योग टीचर बना सकते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले को भी योग, जिसकी इंटरेस्ट है। और आज की डेट में तो सब टीचर जो है, इनफैक्ट काफी टीचर्स योग खुद भी करने लग गए, तो अगर उनकी 3 महीने 6 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए तो योग टीचर का भी काम करेंगे। अलग से टीचर अपॉइंटमेंट करने की जरूरत ही नहीं, अलग से ऊपर सरकार का कोई बजट भी नहीं खर्च होगा, एक पैसे अलग से खर्च नहीं होगा, और पर ईयर कम से कम 50,000 करोड़ का हेल्थ बजट घट जाए, 50,000 करोड़ का। ये हॉस्पिटल में जो लंबी लंबी लाइनें हैं ना, लाइनें कम हो जाएंगी, ये जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं बीमारियां कम होंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चर्चा नहीं करती, अखबारों में लेख नहीं लिखा जाता, तो आप ही माध्यम है इसके। आप भी अपने विधायक से, अपने सांसद से योग को 8वीं तक अनिवार्य करने के लिए निवेदन करिए। इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए, ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, टेलीग्राम पे डालिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे पर डे आपको एक मेरा वीडियो मिलेगा, पर डे एक वीडियो मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।